आसान से लिखा हो। जल्दी जल्दी करो ना बेटा, थोड़ा सा इतना टाइम क्यों लगाते हो? प्लीज बेटा जल्दी लिखो, प्लीज लिखो ना बाबू जल्दी। श्री द्वारकाधीश दोस्तों, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, मैं ना आज का अपना ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया है जुत्ता की पढ़ाई से। तो जब वो हिंदी पढ़ रही थी ना, वो वीडियो उसकी टीचर को भेजना था होमवर्क में। और दोस्तों, ये ना दूसरे दिन सुबह का है जब मैं ज्योतिका के लिए नाश्ता बना रही थी, और इच्छा कुछ भी नहीं थी, बस खाली बेसन का छीला बना के उसको दे दिया, क्योंकि वैसे भी वो उसको कोई ज़्यादा सब्जी वब्जी पसंद नहीं है, तो बस नॉर्मल मसाले डाल के। और ये शाम की हमारी चाय और टोस्ट हो गए थे, क्योंकि आजकल ना मैं प्रॉपर ही बहुत अच्छे से मतलब खाना नहीं बना पा रही हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ही मेरी ख़राब रहती है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो यहाँ पर मैंने ना खाली काले चने मतलब रात में भिंगोने डाल दिए थे, और फिर उसको बॉईल किए थे, नमक डाल के, ऐसे ही ज़्यादा सिंपल नाश्ता था। और अनार, तो उनके फ्रेंड आ गए थे, ये इडली और चटनी लेके बादाम की। और उसके बाद में ना फ्रेंड्स, ये है दूसरे दिन का, जब मैं ज्योतिका का लंच बना रही थी मतलब स्कूल के लिए, तो उसमें उसको हलवा चाहिए था, तो चलो मैं सबके लिए आज बना रही थी। तो पहले घी डाल दिया, फिर उसमें एक कटोरी ये सूजी डाल दी, और उसको मैं अच्छे से भूंजूंगी एकदम से ब्राउन होने तक। और एक साइड में दूध भी रख देती हूँ, क्योंकि मैं ना हमेशा हलवा में एकदम से गर्म दूध ही डालती हूँ खोलता हुआ। और इसको थोड़ी देर छोड़ के एकदम से मुझे लगा धीरे कर दिया है, तो ज्योतिका के पास चली गई। बीच बीच में उसको रेडी भी करना होता है, उसको किसी बात के लिए डांट रही थी ना, तो दूध को पसंद आया और वो ना पूरा पतीले से निकल के बाहर आ गया, एकदम से मेरा काम फैल गया। उसके बाद जितना दूध बचा था ना, मैंने वो सारा का सारा कढ़ाई में डाल दिया, एकदम से मेरा सुबह सुबह ही मूड ऑफ हो गया था, दूध पूरा एकदम से ये गिर गया था ना इस वजह से। और ज्योतिका किसी बात के लिए एकदम से जिद पे अड़ी थी कि मुझे नहीं करना है या कुछ ऐसा ही था, अभी याद नहीं आ रहा है किस लिए, बस उसको संभाल रही थी तब तक ये दूध गिर गया था मेरा। और अब ये सारा दूध मैंने इसमें डाल दिया, ये थोड़ी देर खौलेगा ना, उसके बाद मतलब ये देखिए ऐसा गाढ़ा हो गया। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, तो मैं ये दिखा रही हूँ कि इस कटोरी से मैंने सूजी ली थी और इसी कटोरी से मैंने चीनी ली थी भर के, कि अच्छे से मीठा हो जाए, क्योंकि मेरे बच्चे और पतिदेव दोनों ना अच्छा खासा मीठा खा लेते हैं, मतलब हम थोड़ा सा चाय भी बनाते हैं तो कम करते हैं, लेकिन इनको मीठा ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा ही डरते हैं डायबिटीज़ के बारे, उस वजह से कम मीठा डालते हैं, कभी कभी डाल देते हैं इन लोगों की वजह से। और आजकल ना तबीयत सही रहती नहीं, पता नहीं क्यों, बस दवाइयाँ बहुत चल रही, मेरी दवाइयाँ खा रही हूँ और मैं उतना ही काम कर रही हूँ घर में जितना एकदम से ज़रूरी होना, कि जिसके बिना नहीं चलेगा, बस उतना ही काम हो रहा है एक्स्ट्रा मेरे घर में, साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो गया मेरा हलवा, और ये बादाम काट के रख ली थी, तो बस ये मुझे देना था टिफ़िन में। तो ये जयदीप भी उठ गया था और बोल रहा था मेरे को नाश्ता दो, ज्योतिका बोल रही थी मेरा ज़्यादा हो गया है तो मेरे में से ही ले ले, तो बोल रहा था नहीं मुझे अलग दो। तो बस मैंने ना इसको ये थाली में इसको पसार दिया था, और इसको कट करके इसको शेप में दूंगी इसको स्कूल में। तो मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए ना बैठी थी यहाँ पे, और जयदीप भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि इसको क्यों तैयार कर रही है। फ्रेंड्स, को भी 12 होते हैं और अभी हम जयदीप की भी देख रहे हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमारे दाल चावल बस बॉईल हो गए थे, तो हमें दाल को छोंकनी थी, बस नॉर्मल जो साथी जीरा वाली से मतलब छोंकते ना वैसे ही करना था। आजकल खाने में मेरा लहसुन प्याज बंद है और टमाटर भी आ नहीं रहा है ज़्यादा, तो कुछ नहीं था, एकदम से सिंपल सी दाल थी। तो इसमें घी डाल देंगे और जीरा बस ऐसे ही मैंने छोंकी थी। मेरा ना इतना भी मन नहीं हो रहा था कि मैं जाके बगीचे से ना कड़ी पत्ता लेके आऊँ, तो एकदम बिल्कुल सादा सिंपल मैं बना रही थी एकदम से। तो इसको घी डाल के छोंक दूंगी, मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ आजकल अपनी हेल्थ की वजह से, तो अच्छा ही नहीं लगता है कुछ भी।
वीडियो मतलब उतना आप काम करो ना तो भी ब्लॉगिंग करने का मन करता है नहीं कि सब कुछ आप शूट करो। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा, बहुत मेहनत लगती है। बहुत दिनों से मैं वीडियो डालना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, एडिटिंग से एकदम से हिम्मत ही नहीं होता है। तो आज सोचे किसी तरह इसको हम अपलोड कर देते हैं क्योंकि ये भी ज़रूरी है, ये काम भी मैंने ही चॉइस किया था। तो बस हम ना नहा वहा के बाल बाल झाड़ के थोड़ा सा आए कि मतलब अच्छा लगे मूड, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था और एकदम सिंपल खाना बनाया था। बस डाल देंगे इसको दाल में। चलिए फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए सबको जय द्वारकाधीश।